من يهده الله فلا يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدر محترم उलमाए किराम मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों पर्दा नशीन माँ और बहनों प्यारे बच्चों बरहेट का ये प्रोग्राम जो पूरे इलाके का सबसे शानदार प्रोग्राम होता है इस साल ये प्रोग्राम इसलिए भी बहुत खास था कि हमारे इस जामिया का इस मदरसे का ये 100 साल जश्न भी था इस प्रोग्राम के अंदर और झारखंड ही नहीं पूरे बाग को इस स्टेज ने इकट्ठा किया और कल से आप लगातार उलमा के की तकारीर और उनके बयानात समाप्त फरमा रहे हैं। मुझे इस जलसे के लिए पिछले ही साल दावत मिल चुकी थी और मैं बहुत मुतमईन था कि मैं आराम से इस प्रोग्राम में दोनों दिन शामिल हूँ शिरकत करूँगा, अगर दोनों दिन मुश्किल रहा तो एक दिन में शिरकत करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो ये फरमाया कि वमा तदरी नफ्सु माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। जलसा कमेटी बराबर मुझसे कांटेक्ट में थी, मैं बिल्कुल मुतमईन था कि प्रोग्राम में आऊंगा, लेकिन प्रोग्राम से ठीक 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा हादसा होता है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मौत को मैंने अपने बिल्कुल करीब देखा और अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी, तो मैं एक मदरसे में टीचर भी हूं और चूंकि मदरसा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाला मदरसा, जाहिर है कि उसकी ड्यूटी के अपने तकाजे हैं। 27 फरवरी को मेरा प्रोग्राम बनारस से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ नगर में था, नेपाल बॉर्डर के करीब। मदरसे की छुट्टी 2 बजे होती है, गाड़ी से खाना वाना खा करके निकलते निकलते 3 बज गए। प्रोग्राम में पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 10:30 बज गए।
मुझे यह भी पता था कि रात ही में मुझे वापस भी निकलना है, सुबह फिर मदरसे में ड्यूटी देना है। मैं जब वहां पहुंचा मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गैर मुस्लिम था, मैंने उससे कहा कि साहब आप जो है थोड़ा सा खाना वाना खा करके सो जाइए, आराम कीजिए, इसलिए कि रात का सफर है, नींद आपको मिलना जरूरी है। लेकिन ये ड्राइवर थोड़ा सा टेढ़े किस्म का था। इसने कहा जनाब मैं न्यूज में काम करता हूं, मेरे पास रात में कभी भी कॉल आता है मैं सोऊंगा नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं बहुत माहिर हूं, कोई दिक्कत नहीं। वहां तकरीर मेरी खत्म हुई 2 बजे। तकरीर के बाद चाय नाश्ता करते करते 2:30 बजे और ड्राइवर 1 मिनट के लिए भी सोया नहीं था। अब जब हम लोग वहां से निकले, इत्तेफाक से कोहरे का मौसम भी था वहां, क्योंकि नेपाल का इलाका करीब का इलाका था, कोहरे का मौसम था। और ये गाड़ी बहुत बेहिसाब चला रहा था और मेरी आदत है मैं हमेशा ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठता हूं। अल्लाह की कुदरत देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले जब हमारे बड़े अजीज दोस्त और आपके इस बरहेट के जलसे में कई बार वो शिरकत भी मेरे ख्याल से कर चुके हैं, शेख अब्दुलरहमान सलफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के का जब हादसा उनके साथ हुआ, उसके बाद से मैं जब भी कार में बैठता हूं सीट बेल्ट लगा लेता हूं। मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि आपको जितना भी भरोसा हो ड्राइविंग, आप जब बाइक चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं, कार में बैठे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इसलिए नहीं कि पुलिस वाला आपकी चालान काट लेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उसमें लगाइए, काम करूंगा, मैंने सीट बेल्ट लगा। डिजायर गाड़ी थी, मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था, कोहरे का मौसम है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। जब हम लोग वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने तय कर लिया और मौसम अब क्लियर हो गया, तो ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगा और मैं ड्राइवर के बगल में बैठा हूं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो भी रहा हूं। हालांकि उसूलन ये बात गलत है, ड्राइवर के बगल में बैठने वाले को सोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, थका हारा था, तकरीर करके आया था, मैं सो रहा था। तकरीबन सुबह के 5:30 बजे उस ड्राइवर ने नींद के आलम में सड़क पर खड़ी एक ट्रक में ले जाकर के पूरी स्पीड में गाड़ी को ठोक दिया और जैसे ही गाड़ी लड़ी है ट्रक में, मैं तो सो रहा था, गाड़ी के अंदर एक एयरबैग का सिस्टम होता है, अब जितनी नई गाड़ियां आ रही सबके अंदर एयरबैग का सिस्टम होता है। एयरबैग का मकसद यह होता है कि सामने बैठने वाला, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे उसके बगल वाला हो, अगर हादसा हो तो उसकी बॉडी पर नुकसान ना हो, वो एक गुब्बारा टाइप का सामने आ जाता है जो इंसान को नुकसान से बचाता है। मेरी नींद खुली, एक जोरदार धमाका हुआ और एक अजीब सी महक मेरी नाक में महसूस हुई और मैंने देखा कि गाड़ी की ये हालत है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूं, मेरे बदन पर कोई चोट नहीं। और मेरे पीछे मेरे मदरसे के एक टीचर जिनको मैं साथ में लेके गया था, वो उनके सर से खून बह रहा है, चेहरे से खून बह रहा है और वो इस तरीके से सीट पर पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं। वल्लाह बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे कि ये क्या हो गया। और इस बात का भी डर है, चूंकि CNG कार थी, गाड़ी धमाका ना हो जाए, गाड़ी जल ना जाए, इस बात की भी फिक्र थी कि जल्दी से गाड़ी से कैसे निकलूं, ड्राइवर अलग चोटिल पड़ा है, मैं अंदर से गेट खोल रहा हूं, गेट खुल नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से बहरहाल गाड़ी से मैं बाहर निकला और मुझे इस बात की फिक्र लगी थी कि ये मेरे साथी जो, इनका क्या होगा। मैंने पानी वानी उनके चेहरे पर डाला, थोड़ी देर के बाद उनको होश आया तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि ये बेहोश हुए, इनका इंतकाल नहीं हुआ। गाड़ी की मैंने तस्वीर ली, मोबाइल में मेरे चार्जिंग कम थी, 3-4 तस्वीरें मैंने ली, अपने भाई को, छोटे भाई को मैंने तस्वीरें भेजी, उसके बाद मेरा मोबाइल बंद हुआ। मेरा भाई भी परेशान है कि ये तस्वीर किस गाड़ी की है और अगर ये मेरे साथ हादसा हुआ है तो मैं तस्वीर कैसे ले रहा हूं। बहरहाल उसके बाद दूसरी गाड़ी आई और अपने साथी को लेकर मैं बनारस पहुंचा और उनका ट्रीटमेंट हुआ, अल्लाह का शुक्र है वो भी किसी खतरे में नहीं है, सीटी स्कैन वगैरह हुआ वो ठीक है, मुझे बज़ाहिर कोई चोट नहीं आई, अलबत्ता थोड़ा सा सीने में और पीठ में दर्द अभी भी महसूस हो रहा है। अब हो सकता है कल परसों में मैं उसको एक्सरे वगैरह कराऊँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बज़ाहिर तो कोई खतरे की बात नहीं, अगर दर्द रहेगा तो आप एक्सरे करा लीजिए।
गाड़ी की जो तस्वीर थी लोगों ने देख करके तो यही समझा कि ये गलत बात है कि मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सेफ है, ये छुपाया जा रहा है, वो अगर जिंदा भी है तो बहुत जख्मी हूं। और मैं दूसरे दिन तकरीर करने आ रहा हूं आपके यहां, मेरे घर में मेरे रिश्तेदार मुझे देखने के लिए आ रहे हैं और उनको जब ये पता लग रहा है कि मैं झारखंड की का सफर कर रहा हूं तो वो माथा पकड़ के बैठने की, साहब ये तो अजीब बात नहीं है। और मैं हमारे हाशिम साहब, हमारे शेख फैजी साहब, हमारे दोस्त मोहसिन साहब, इन सब लोगों का बराबर फ़ोन आ रहा है कि साहब आपको बरहेट में आना है, 100 साल का प्रोग्राम है, आवाम और इलाका बहुत आपको चाहता है, आपको आना है। बस अल्लाह ताला की तौफीक थी, मैं बनारस से दोपहर में 2 बजे ट्रेन पकड़ के आपके दरमियान यहाँ बरहरवा उतरा हूँ रात में 2 बजे, और अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यकीनन ये अल्लाह की तौफीक है, वरना इतने बड़े हादसे के बाद पॉसिबल नहीं था कि मैं आपके सामने हाजिर होता। अल्लाह ताला को आपके इस मजमे में मुझे शिरकत करने के लिए ज़िंदा रखना था और अल्लाह को मुझे ये तौफीक देना था। और मैं समझता हूँ कि ये आप सबकी दुआएँ हैं। कितने लोग फ़ोन करके रो रहे थे भी, मैं लखनऊ गया था उसके अगले दिन, लखनऊ में एक साहब ने मुझे देखते ही मेरी पेशानी को चूम लिया, रोने लगे और बोले मौलाना हमने तो तस्वीर गाड़ी की देख करके हमने तो समझ लिया कि बहुत बुरा हुआ होगा, और आपको सेहतमंद देख करके हमारा दिल बाग बाग हुआ। हमारे अंदर क्या ख़ास बात है मेरे भाई? हमारे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। ये कुरान की मोहब्बत है, ये हदीस की मोहब्बत है, ये इल्म दीन की मोहब्बत है कि हज़ारों लाखों लोग दुआओं में याद रखते हैं। और हम लोग जब सफ़र में निकलते हैं तो जान हथेली पर रहती है। अभी हम बरहरवा से यहाँ तक आ रहे थे, 20 किलोमीटर का सफ़र था, उसमें भी रास्ते में अचानक एक टोटो वाला आ गया और ड्राइवर ने अचानक गाड़ी ब्रेक मारी, मेरा दिल तो फौरन फिर धक धक करने लगा। हकीकत यह है कि बाई रोड सफ़र बहुत रिस्की है, और मैं कुछ दिनों से जब से मदरसा ज्वाइन किया है मैंने, कई मरतबा ऐसा होता है कि रातों रात सफ़र, लंबे लंबे सफ़र जाना और आना होता है। अब मेरी कोशिश भी रहेगी कि इस तरीके के सफ़र कम हों। आइए अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी भी और तमाम जितने हमारे उलमा हैं, दुआत हैं, जो दावत दीन का काम कर रहा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अभी आपने ये खबर भी सुनी होगी, बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए कि हमारी जमात के बड़े मशहूर खतीब मौलाना जर्जी सिराजी साहब, जो जिनको साजिश के तहत जेल में पहुंचाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है और वो बाहर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि दावत तबलीग का जो काम वो करते तो वो इंशाअल्लाह फिर से जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला वो तमाम उलमाए हक जो कुरान सुन्नत की तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हर शर से, हर हादसे से, हर मुसीबत से, उनको उनके अहलवायाल को महफूज रखे। मेरे भाइयों, रात के 3:30 बज रहे हैं और बरहेट ही की ये शान है कि 3:30 बजे इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा। ये शायद पूरे झारखंड में, पूरे बंगाल में कहीं किसी प्रोग्राम में इस टाइम मुझे इतनी पब्लिक सामने नज़र नहीं आती है। मैं जब जलसे में पहुंचा, मैंने देखा औरतें बड़ी तादाद में वापस जा रही हैं, मर्द हजरात जा रहे हैं, मैंने सोचा शायद पिंडाल खाली होगा, मगर जितने जा रहे थे उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आज बड़ी अहम बातें आपके सामने, वक्त कम है, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने रखी जाएँ। और कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह नहल की आयत नंबर 90, कुरान के 14वें पारे की आयत है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातों का हुक्म दिया है और 3 बातों से रोका है, और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं 6 बातों पर इंशाअल्लाह। और ये जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये आयत कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला वो कहते हैं अजमउ आयतिन फिल कुरान हाज़िहि आयत, कुरान करीम की सबसे जामे आयत, जामे का मतलब जिसके अंदर तमाम चीजें आ गई हो, जिसने तमाम चीजों को इकट्ठा कर लिया हो, वो ये है आयत सूरह नहल की आयत। और इस आयत के बारे में हजरत सुफियान इब्ने उयैना कहते हैं कि कुरान करीम की कोई और आयत ऐसी नहीं है जिसमें तमाम भलाइयों को इकट्ठा कर दिया गया हो और तमाम बुराइयों से रोक दिया गया हो, अगर ऐसी कोई आयत है तो यही आयत। आइए पहले आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्नल्लाह यअमुर बिल अदली वल इहसानी व ईताइज़िल कुर्बा
وَيَنْهَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ تم کو تین باتوں کا حکم دیتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، انل منکر برائی سے، والفحشاء فحش کاموں سے، والبغی اور ظلم اور زیادتی کرنے سے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، بھائی کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، بچے کو نصیحت، جب بچے کو یہ کہہ کر کے کوئی بات بتاتا ہے کہ بیٹا میں نصیحت کر رہا ہوں، تو بیٹے کے بچے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. استاد جب شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھو بچوں میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، تو شاگردوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. یہاں کوئی استاد نصیحت نہیں کر رہا ہے، کوئی ٹیچر نصیحت نہیں کر رہا، یہاں ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے. تین باتوں کا اللہ حکم دے رہا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کا مطلب، عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق دے دینا، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے. ماں کا حق ماں کو دیا جائے، باپ کا حق باپ کو دیا جائے، بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے، بچوں کا حق بچوں کو دیا جائے، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دیا جائے، رشتہ دار کا حق رشتہ دار کو دیا جائے. جتنے حقوق ہیں اس ایک لفظ کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا. اور عدل کا ایک اور مطلب ہوتا ہے انصاف، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نیائے، انگلش میں کہتے ہیں جسٹس. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کا. نا انصافی مت کرو، انیائے مت کرو. لوگ کہتے ہیں نا پیار میں اور جنگ میں سب جائز. وہ کون لڑکا تھا جس نے اپنی محبوبہ کا قتل کر دیا تھا، اس کے 32 ٹکڑے کر کے فریج میں ڈال دیے تھے؟ محبت تھی، محبت نفرت میں بدل گئی، اور نفرت میں بدلی تو اتنی بدلی کہ اپنی محبوبہ کے، جس کے ساتھ اس نے ہر طریقے کی خواہشات کو پورا کیا، اس کے 32 ٹکڑے کر کے اس نے فریج میں رکھ دیے. حالانکہ اس طریقے کے واقعات ہندوستان میں اور بھی ہوتے ہیں، مگر جہاں مسلمان کا نام آ جاتا ہے تو میڈیا والوں کو تو مسئلہ مل جاتا ہے. تو یہ اصول ہے لوگوں کا کہ پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام کا یہ اصول نہیں ہے. اسلام کہتا نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز. پیار میں بھی آپ ناجائز کوئی کام نہیں کریں. بھائی کسی لڑکی سے اچانک آپ نے کسی لڑکی کی شکل دیکھ لی، اسلام تو بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا. مان لیجیے اچانک نظر پڑ گئی کسی لڑکی کے اوپر، یا کسی لڑکی کی اخلاق کی آپ نے تعریف سن لی کہ بڑی اچھی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں، جائز طریقے سے آپ نکاح کا پیغام بھیجیں اور آگے کا پروسیس پورا کریں، اس کو اپنی بیوی بنا لیں، اور بیوی بنانے کے بعد آپ اس سے محبت کریں. اسلام لو میرج کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام لو آفٹر میرج کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کا یہ اصول نہیں ہے پہلے محبت کرو پھر شادی کرو. اسلام کا اصول ہے شادی کرو اور پھر بے تحاشا محبت کرو. اور جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں ہے. دشمن کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی نہیں کرنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے مسلمانوں، اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ بھی تمہیں ناانصافی نہیں کرنا ہے، انیائے نہیں کرنا ہے. جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اسی سے تمہیں بدلہ لینا ہے. پوری قوم سے بدلہ نہیں لے سکتے، پوری کمیونٹی سے بدلہ نہیں لے سکتے.
भाई दंगे फसाद में क्या होता है, किसी एक इंसान ने आग भड़का दी पूरी कौम के खिलाफ दंगा भड़क गया, यही तो होता है। इस्लाम की यह तालीम है, दुश्मनी अपनी जगह है लेकिन दुश्मनी का मतलब ना इंसाफी नहीं। इस्लाम तो वो दीन है, अगर आप लोगों के मुखिया है, प्रधान है गांव के, आप जिम्मेदार हैं इलाके के, लोग आपके पास फैसला लेकर के आते हैं, आपको फैसला करने में भी ना इंसाफी नहीं करना है। आपका अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपका अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो जो गलत की सजा है वो उसको भी मिलनी चाहिए। आप पक्षपात ना करें, आप किसी की तरफदारी ना करें, आप किसी का पक्ष ना लें, आप जो इंसाफ की बात है वही बात करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा। ओ लोगों, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम अमानत को अमानत वालों को लौटा दो। वइज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिलअदल, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो, इंसाफ के साथ फैसला करो। ये नहीं कि किसी ने चाय पिला दी तो उसके हक में बोल दिया, किसी ने टेबल के नीचे पैसा दे दिया तो उसका पक्ष ले लिया, नहीं, इंसाफ की बात। इस्लाम की नजर में इंसाफ की वैल्यू इतनी ज्यादा है। कल कयामत का दिन होगा, सूरज एक मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से और धूप से बेहाल होंगे, अल्लाह तबारक व ताला अपने कुछ स्पेशल बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन स्पेशल बंदों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे पहला इंसान कौन होगा, इमाम उन आदिल, जो इंसाफ करने वाला इमाम होगा। इमाम का मतलब यहां मस्जिद का इमाम नहीं है, मसल्ले नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं है, इमाम का मतलब जो लोगों का हाकिम हो, जो लोगों का जिम्मेदार हो, वो इंसाफ करेगा तो कयामत के दिन अल्लाह ताला अर्श का साया देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल मुक्सितीना अला मनाबिर मिन नूरिन यमीनिल्लाह, इंसाफ करने वाले कल कयामत के दिन नूर के मिंबर पर होंगे। आपने लकड़ी का मिंबर देखा होगा, आपने पत्थर का मिंबर देखा होगा, लेकिन इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला कयामत के दिन नूर के मिंबरों पर जगह देगा। और जब बात इंसाफ की आई है तो सुन लो कान खोल कर, इंसाफ जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में होगा। आप बाप हैं, पांच बेटे आपके हैं, एक बेटा आपको ज्यादा महबूब है और वो अच्छा भी है, नेक भी है, दीनदार भी, आपकी बातें भी मानता है, एक बेटा थोड़ा नाफरमान है, आपकी बातें कम सुनता है, दीनदारी उसके अंदर थोड़ी कम है, लेकिन अगर आपने जायदाद का बंटवारा किया, आपने जायदाद को तकसीम किया और एक लड़के को आपने ज्यादा दे दिया, एक लड़के को कम दे दिया, तो ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है और अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा। आपने सिर्फ बेटों को जायदाद दे दी, बेटियों को महरूम कर दिया, ये भी ना इंसाफी है। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सहाबी का नाम है हजरत बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आए अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नौमान को एक जमीन देना चाहता हूं और मैं इस जमीन के हिबा के ऊपर आपको गवाह बनाना चाहता हूं। आपने पूछा है, बशीर क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं? हाँ अल्लाह के नबी, और भी बच्चे हैं। ऐ बशीर, क्या तुमने सारी औलादों को ये जमीन दी है? नहीं नहीं ऐ अल्लाह के नबी, मैंने सबको नहीं दी है। आपने फरमाया, फला अशहद वाला जौरिन, ये जुल्म है और मैं जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, ओ लोगो अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। इंसाफ की इतनी अहमियत है। नबी अकरम के दौर में एक औरत चोरी करती है, औरत का ताल्लुक बहुत बड़े खानदान से, बनू मखजूम से है। ये बनू मखजूम कौन सा खानदान है? ये अबू जहल का खानदान है, ये खालिद बिन वलीद का खानदान है, ये बहुत बड़ा खानदान है मक्के का। औरत ने चोरी कर ली, पकड़ी गई। इस्लाम में चोरी की सजा हाथ का काट देना है। नबी अकरम की अदालत में केस आया, आपने कहा हाथ काटा जाएगा, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है। खानदान वाले परेशान, हमारे खानदान की तो नाक कट जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नबी के सामने जाकर के हम कैसे अपनी बात को रखें।
लोगों ने हजरत उसामा बिन जैद को पकड़ा जो अल्लाह के नबी के बड़े चहेते थे। अय उसामा, आपसे तो अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हमारा छोटा सा काम कर दें, इस औरत का हाथ ना काटा जाए, कुछ ले देकर के मामला रफा दफा कर दिया जाए, हमारे खानदान की इज्जत का मामला है, अय उसामा आप अल्लाह के नबी से सिफारिश कर दीजिए। बुखारी के अल्फाज हैं, उसामा अल्लाह के नबी के पास आते हैं और उस औरत के बारे में सिफारिश करते हैं कि अल्लाह के नबी इसका हाथ ना काटा जाए, कोई और सजा दे दी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आपने फरमाया अतश्फौ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, अय उसामा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम अल्लाह के कानून को तोड़ने के बारे में मेरे पास सिफारिश लेकर के आए हो। अय उसामा तुमसे पहले की कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई कि जब कोई बड़ा आदमी कोई गुनाह करता था उसको सजा नहीं देते थे, और गरीब आदमी छोटा आदमी मजदूर आदमी वही गुनाह करता था उसको सजा देते थे। अय उसामा कान खोल करके सुन लो, ये औरत तो कबीले बनू मखज़ूम की औरत है, इस औरत का नाम भी फातिमा है। लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, अल्लाह की कसम ये तो फातिमा मखज़ूमिया है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती और मेरी अदालत में उसका केस आया होता तो मैं उसके भी हाथ काटने का ऑर्डर दे देता। यह है इस्लाम का कानून। गवर्नर का बेटा भी अगर किसी गरीब आदमी पर जुल्म करे तो इस्लामी अदालतों में फैसला किया गया और गवर्नर के बेटे को सजा दी गई है। वाकयात मौजूद है मेरे प्यारे साथ। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल, अल्लाह ताला तुमको इंसाफ करने का हुक्म देता है, अदल करने का हुक्म देता है। अच्छा, अदल का उल्टा है जुल्म। अदल करना जितना जरूरी है, जुल्म करना उतना ही बड़ा गुनाह है। अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म किया, आप जालिम हो गए, वो मजलूम हो गया और उसके मुंह से अगर आह निकल गई, उसके मुंह से बद्दुआ निकल गई, तो अल्लाह ने मजलूम की बद्दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तकु दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, फइन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ के दरमियान और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई रुकावट नहीं। मजलूम के मुंह से अगर बद्दुआ निकल गई तो वो बद्दुआ जरूर कबूल होती है। कभी किसी पर जुल्म मत करो मेरे भाई, हो सकता है आप जुल्म करके दुनिया में फल जाओ फूल जाओ, मगर अल्लाह के यहां एक एक पाई का हिसाब देना पड़े। अरे हम तो इंसान हैं, जानवरों ने भी अगर जानवरों के ऊपर जुल्म किया होगा तो अल्लाह ताला उनसे भी क़िसास लेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लतुअतुनल हुकूका इला अहलिहा यौमल क़ियामा, ओ लोगों तुम कयामत के दिन एक दूसरे का हक जरूर दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युकादल शातिल जलहाई मिन शातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली पर अत्याचार किया है, जुल्म किया है, तो उससे भी क़िसास लिया जाएगा। दुनिया में हमने किसी का पैसा मार लिया तो दुनिया में पैसे के बदले पैसा चलेगा, किसी की जमीन हथिया ली, जमीन के बदले जमीन चलेगी, दुनिया में किसी को गाली दे दी माफी मांग ले, आखिरत में तो करेंसी नेकी और गुनाह होंगे मेरे भाई, वहां करेंसी का एक्सचेंज नेकी और गुनाह से होगा। हमने अगर किसी पर अत्याचार किया और जुल्म किया, हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, और जब हमारी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उस मजलूम के गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। तो जुल्म से बचो, अत्याचार से बचो, इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है। यहां तक कि अगर किसी की दो बीवियां हैं, यह अलग बात है, हिंदुस्तान के माहौल में दो बीवियों का नाम लेना भी आज जुर्म है। औरतें तो कहती हैं साहब मेरा शौहर गलत काम करने चलेगा लेकिन मेरी सौतन ना लाए ये नहीं चलेगा। शौहर माली एतबार से इस्तेदात रखता है, दो शादियां कर सकता है, मगर लोग करने नहीं देते। कितनी बेवा औरतें हैं, लोग समझते हैं कि उनके घर में राशन पहुंचा दिया तो उस बेवा के आंसू पूछ दिए। लोग कहते हैं औरतें तो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजार लेती, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ढकोसला है ये। जिस तरीके से मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है।
30 साल की, 35 साल की, 40 साल की औरत बेवा हुई, समाज में कोई निकाह करने वाला नहीं। आपने दूसरे निकाह को हराम करके कर दिया है, उसको नाजायज कर दिया है, और उस बेवा औरत के घर में आपने राशन पहुंचा दिया, उसको चंद पैसे दे दिए, और आप कहते साहब हमने बेवा की मदद कर दी। नबी अकरम ने 11 शादियां की थी, कभी आपने गौर किया 11 शादियों में सिर्फ एक बीवी आपकी कुंवारी थी, बाकी 10 बीवियां आपकी या तो मुतल्लका थी या बेवा थी। अल्लाह के नबी ये भी तो कर सकते थे, उनको पैसा दे देते, उनको राशन पानी दे देते, निकाह करने की क्या जरूरत थी भाई। नबी ने उम्मत को तालीम दी, समाज की ये बेवा औरतें तुम्हारे राशन के और तुम्हारे रोटी के टुकड़ों की मोहताज नहीं है, उनको भी इज्जत के साथ एक शादीशुदा जिंदगी गुजारने का हक है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कान लहू इमरातान, जिसकी दो बीवियां हों, फमालैला अहद हिमा, अगर दो बीवियों में से किसी एक बीवी की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, मगर इस कंडीशन के साथ कि आपको इंसाफ करना है। अगर एक बीवी के साथ, मैंने हैदराबाद में देखा बड़े बहुत सारे केस आए मेरे सामने, शौहर सऊदी अरब में रहता है, एक बीवी को वहां लेके रहता है, एक बीवी यहां रहती है, पहली बीवी यहां है जिसके चार चार बच्चे हैं, और दूसरी बीवी कम सिन कम उम्र की लड़की से शादी करके उसको सऊदी लेके चला गया। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है। दूसरी शादी करें आप तो दोनों को बराबर, अल्लाह के प्यारे नबी को देखिए, अल्लाह के नबी अपनी बीमारी के अय्याम में, अपने आखिरी दिनों में, आप उस वक्त भी ये चाहते थे कि हजरत आयशा के घर में आप अपने दिन गुजारे, मगर बीवियों की आपने बारी मुकर्रर करके रखी थी, तो जब तक आपने बीवियों से इजाजत नहीं ले ली तब तक आपने अम्मा आयशा के घर में अपने दिन नहीं गुजारे, आपने बाकायदा इजाजत मांगी, आपने ख्वाहिश का इजहार किया, और बीवियों ने इजाजत दी, तब अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीमारी के आखिरी अय्याम हजरत आयशा के घर में गुजारे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी की दो बीवियां हैं और उसने एक के साथ अगर ना इंसाफी कर दी तो जा यौमल कियामति व शिक्कुहु माइलुन, कयामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसका एक तरफ का जो बदन होगा वो झुका हुआ होगा, एक तरफ का उसका बदन झुका हुआ होगा, दूर से पहचान में आ जाएगा कि ये अपनी बीवी के साथ ना इंसाफी करने वाला। तो अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म देता है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, वल एहसान, और दूसरी चीज यह है कि अल्लाह ताला एहसान का हुक्म देता है। एहसान का मतलब क्या होता है? एहसान का चार मतलब होता है। एहसान का पहला मतलब, आप जब भी कोई नेकी करें, कोई भी अमल करें, नमाज पढ़े, रोजा रखे, तिलावत करें, सदका खैरात करें, आपकी नेकी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो, आपने बरहेट के मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दिया, मकसद ये था कि मैं अल्लाह के दीन के लिए और इल्मे दीन की राह में मैं ये पैसा दे रहा हूँ, अल्लाह को राजी करना है, तब तो आपकी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और अगर मकसद ये है कि समाज और गांव में मेरी तारीफ और मेरे चंदे का नाम लिया जाए तो ये इखलास के खिलाफ है। एहसान का ये पहला मतलब है कि आपके अंदर इखलास हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाया, अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा, जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख पा रहे हो तो ये समझो वो तुमको देख रहा है। आजकल तो नेकी करके फेसबुक पर डाला जाता है, कितनी गरीब औरतें हैं उनके घर में राशन दिया जा रहा है, 2-4-500 रुपए का राशन देकर के उस गरीब की इज्जत को तुम नीलाम कर रहे हो। भाई एक एक जरूरत होती है, चलो भाई बाहर से कोई फंड आया तो उसको फोटो खींच करके जिसने डोनेट किया है डोनर को फोटो दे दिया गया, तो वो तो जरूरत समझ में आती है कि चापाकल लगाया गया, हैंडपंप लगाया गया, मस्जिद बनवाई गई, मदरसा बनवाया गया, उसका फोटो लिया गया, हालांकि उसमें भी बड़ा घपला हो रहा है, सुना कि एक एक हैंडपंप पर 10-10 बार पेंट हो रहा है, एक बार ग्रीन, एक बार रेड, एक बार ब्लू, एक हैंडपंप का 10 बार पैसा मंगाया जा रहा है, अल्लाह रहम करे। लेकिन आप किसी गरीब की मदद करके उसका फोटो लेकर के फेसबुक पर डाल रहे हैं,
यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उस गरीब की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, यह मुनासिब नहीं है मेरे भाई। एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और एहसान का दूसरा मतलब, एहसान का दूसरा मतलब यह है कि आप सबके साथ भलाई करें। सबसे पहले तो आप अपनी अपने नफ्स के ऊपर भलाई करें, अपनी जात के ऊपर भलाई करें, आप गुनाहों से बचें। जब एक इंसान गुनाह करता है, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, इसीलिए हमारे बाप आदम ने, हमारी माँ हव्वा ने जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने जो दुआ की थी, क्या दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है और अगर तूने नहीं बख्शा, तूने रहम नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी जान पर आप एहसान कीजिए। ओ गुटखा खाने वाले मेरे नौजवान साथियों, ओ शराब पीने वाले मेरे भाइयों, ओ तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले मेरे भाइयों, अपनी जान पर तरस खाओ और अपने आप को हलाकत में न डालो। वला तुल्कु बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, खुदकुशी न करो, सुसाइड न करो। इस्लाम में सुसाइड क्यों हराम है? यह जिंदगी हमारी अपनी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम सुसाइड करें। जब हमारी मौत लिखी होगी, अल्लाह मौत देगा, हम सुसाइड करके अपने आप को, अपनी जिंदगी को खत्म करें, यह राइट हमें और आपको। सबसे पहले अपने 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 साथ आप एहसान कीजिए, उसके बाद अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। सूरह निसा की आयत नंबर 36 को पढ़िए, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, वबिज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, वल यतामा, यतीमों के साथ एहसान करो, वल जारिज़िल क़ुरबा, और अपने पड़ोसी के साथ भी एहसान करो, वल जारिल जुनूबी, और पड़ोसी अगर अपना रिश्तेदार है तब भी एहसान करो, और पड़ोसी अगर गैर है तब भी उसके साथ एहसान करो, वसाहिब बिल जंबी, और अपने सफर के साथी के साथ भी भलाई करो। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अभी आज मैं बनारस से पटना तक खड़ा होकर के आया, होली का मौका था, ट्रेन में रश था, और टोपी लगाए हूं, कुर्ता पहने हुए, ऐसे ही आजकल टोपी वालों को, कुर्ता वालों को तो बड़ी अजीब नजरों से देखा जाता। सीट पर जगह है, एक एक सीट पर पांच पांच लोग बैठे हैं, मगर मौलवी साहब हैं, इनको नहीं बैठने दिया जाए। हमारा अपना मामला ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। अगर हमारी सीट पर कोई, अगर मैं सोया नहीं हूं, बैठा हूं, कोई आकर के बैठना चाहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें ये गुंजाइश रखनी चाहिए। फ्लाइट में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप दूसरों के लिए भलाई कीजिए, इस्लाम की तालीम है मेरे। वसाहिब बिल जंबी, अपने सफर के साथी के साथ तुम भलाई करो, वबनी सबीली, और मुसाफिरों के साथ तुम भलाई करो, वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने नौकरों, अपने लौंडियों, अपने गुलामों के साथ भलाई करो। इस्लाम सबके साथ भलाई करने की तालीम देता है। और एहसान का तीसरा मतलब, जो काम करो परफेक्ट करो। इस्लाम परफेक्शन का हुक्म देता है। नमाज आप पढ़ने के लिए खड़े हुए, एक आदमी नमाज पढ़ता है, कौते की तरह चार ठोंगे मार के चला जाता है, और एक आदमी जब नमाज पढ़ता है, बड़े अच्छे तरीके से, खुशी और खुशू के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ता है, जो कौए की तरह ठोंगे मार के चला जाए, अल्लाह के नबी उस नमाज के बारे में फरमाते हैं, मा सल्लैता, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। वजू करने के हिस्सा सूखा रह गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वैलुल लिल आकाबी मिनन नार, अगर वजू के दौरान एड़ी सूखी रह जाए और एड़ी तक आपने पानी को नहीं पहुंचाया, तो ये एड़ियां जहन्नम के अंदर डाली जाएंगी। परफेक्शन होना चाहिए, जो भी काम करो परफेक्ट तरीके से। यहां तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतब अलहसान अला कुल्ले शय, अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ भलाई का हुक्म दिया है। फैजा ज़बा तुम फासिलु ज़बहा, जब तुम जानवर को ज़बा करो तो अच्छे तरीके से ज़बा करो, एहसान के साथ ज़बा करो।
अपनी छुरी को तेज कर लो, जानवर को आराम पहुंचाओ, छुरी ऐसी ना हो कि तलपा तलपा के जानवर को कत्ल करो। छुरी आपकी तेज हो और जानवर के सामने आप छुरी ना तेज करें, पहले से तेज करके रखें, ये एहसान है इस्लाम, इसकी तारीफ। एहसान का एक मतलब ये भी है, आपने किसी से कर्जा लिया, 100 रुपया आपने लिया और लौटाने का टाइम आया तो आपने 100 की जगह 110 दे दिया। सामने वाले ने आपसे नहीं कहा था, अगर उसने तय करके आपको दिया था तब तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, उसने आपसे कोई शर्त नहीं रखी थी लेकिन आपने अपनी तरफ से बढ़ा करके दे दिया, ये भी एहसान है। अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, तुम्हें एहसान का हुक्म देता है। और तीसरी चीज वह ईताइज़िल क़ुरबा, और अल्लाह ताला तुमको अपने रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। क्या देना है अल्लाह ने इसको मेंशन नहीं किया, देने का हुक्म देता है। जो दे सकते हो तुम दे दो, पैसा दे सकते हो पैसा दे दो, इज्जत दे सकते हो इज्जत दे दो, कुछ नहीं दे सकते तो अपने रिश्तेदारों के सुख और दुख में शामिल तो हो सकते हो। इस्लाम के अंदर रिश्तेदारी का बहुत बड़ा हक है। हमारी जो नई नस्ल है, अल्लाह माफ करे, कितने लोगों को तो पता भी नहीं कि उनके खानदान के कौन कौन लोग हैं, कहां कहां बसे हुए हैं। एक आदमी बरहेट में रहता है, उसके कुछ रिश्तेदार ललमटिया में है, कुछ रिश्तेदार कदमा में है, कुछ कहीं है कुछ कहीं है, उसको मालूम भी नहीं कि हमारे रिश्तेदार कहां। खास तौर से जो बड़े बड़े शहर है मुंबई वगैरह में, जहां फ्लैटों में लोग रहते हैं, एक बिल्डिंग में 20-20 मंजिल है और हर मंजिल पर 4-4 फ्लैट है, लेकिन एक फ्लैट वाले को अपने बाजू वाले की कोई खबर नहीं है। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता मेरे भाई। आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। वो आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हु, अल्लाह कहता है कि अपने रिश्तेदार को तुम उसका हक दो। अगर आप अपने रिश्तेदार की मदद कर रहे हो, उसके काम आ रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे आप, आपके माल में उसका हक था, आपने उसका हक उसको दिया है, आपने कोई एहसान नहीं किया। आज हालात क्या है, भाई भाई से नाराज है, चचा भतीजे से नाराज है, बाप बेटे में मुकदमा चल रहा है। ओ लोगों, ये चीजें खत्म कर दो, कुछ लेके नहीं जाना है। एक हादसा आएगा और आपको दुनिया से दूर कर देगा, एक बीमारी आएगी और आपको अल्लाह के पास लेके चली जाएगी। 4 दिन की जिंदगी है, अपनी जात के जरिए दूसरों का जो भला कर सकते हो भला करके दुनिया से जाओ। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने की कोशिश ना करो। आप हर खुतबे में सूरह निसा की पहली आयत सुनते होंगे, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ओ लोगो, तुम अल्लाह से डरो, इसका नाम लेकर के तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तों को काटने से रिश्तों को तोड़ने से डरो। रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, ला यदखुलुल जन्नत काद्यून, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते, मन अहब्बा युनसा लहू फी असरही वयुसत लहू फी रिज़्क़ही फल यसिल रहीमा। जो ये चाहता है कि उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाए, उसकी उम्र तो 30 साल थी, अगर वो ये चाहता है कि 35 साल हो जाए, उसकी रोजी तो 1 लाख थी, अगर वो चाहता है कि 1 करोड़ हो जाए। मैं मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते, अगर उम्र बढ़ाना चाहते हो, अगर रोजी बढ़ाना चाहते हो, तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा, यहां पर एक सवाल पैदा हो, भाई अब्दुल गफ्फार साहब की उम्र अल्लाह ताला क्या तकदीर में लिखी है कि ये मिसाल के तौर पे 40-50 साल जिंदा रहेंगे, अब अगर मैं अपने रिश्तेदार के साथ भलाई करता हूं तो मेरी उम्र कैसे बढ़ जाएगी? तकदीर तो लिखी जा चुकी है, तकदीर तो फाइनल है। तो ये बात नोट कर लीजिए कि तकदीर के अंदर अल्लाह ताला ने यह भी लिखा है कि अगर ये अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करेगा तो इसकी उम्र को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, नहीं करेगा तो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। यह भी हमारी तकदीर में मेंशन कर दिया गया है। और यही मतलब है इस हदीस का कि जो चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए और उसकी रोजी को बढ़ा दिया जाए, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। मेरे नौजवान साथियों,
अपनी माँ से और अपने बाप से पूछा करो कि हमारे रिश्तेदार कौन कौन हैं, और अपने रिश्तेदारों के सुख दुख में शामिल हुआ करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने रिश्तेदारों को पहचानो ताकि तुम उनके साथ सिला रहमी करो, उनके साथ रिश्तों को जोड़ा करो, इसलिए कि इससे खानदान में मोहब्बत बढ़ती है और माल में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है। तो रिश्तेदारों को देने का हुक्म दिया अल्लाह। तीन चीजें हो गई पॉजिटिव, अब आ जाइए तीन चीजों से अल्लाह मना करता है। वयनहा अनिल फाशाई वल मुनकरी इन्नल्लाहा यामुर बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा वयनहा अनिल फाशाई वल मुनकरी वल बग़्य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको मना करता है, रोकता है फहशा से। फहशा किसको कहते हैं? फहशा कहते हैं ऐसी बुराई को जिसके अंदर बेहयाई पाई जाए। फहश का मतलब होता है जो चीज जाहिरी तौर पर ही लग रही होती है गलत है। मुनकर का मतलब बुरी चीज, और फहशा का मतलब जिसका ताल्लुक अखलाकी बुराई से हो, जिसके अंदर वल्गैरिटी पाई जाती हो। अल्लाह ताला मुनकर से भी तुम्हें रोकता है और फहशाब से भी तुम्हें रोकता है। आज आप देख लीजिए समाज का क्या हाल है। रोजाना मेरे पास व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं, कभी लखनऊ से खबर आ रही है, कभी कलकत्ता से आ रही है, कभी दिल्ली से आ रही है, कभी मुंबई से आ रही है। कितनी मुसलमान लड़कियां जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, नाम है सानिया, नाम है शबाना, नाम है रेहाना, और किसी सुरेश और रमेश और संजय के साथ उनका चक्कर चल रहा है, और उनके साथ फिर भाग करके वो शादी करती हैं, और फिर उनके धर्म के अंदर जा करके वो उनके मजहब को कबूल कर लेती हैं। ये हालात है आज हमारी कौम, और हम सोए पड़े हैं मेरे प्यारे साथ। अपनी बच्चियों का ख्याल रखो मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उनको तालीम दो, मगर उनको ये शऊर भी दो कि कोई प्यार और मोहब्बत के नाम पर उनको अपने जाल में ना फंसा सके। और मेरा तजर्बा यह कहता है जिन लड़कियों को घर में प्यार नहीं मिलता, मां का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, उन लड़कियों के इस तरीके के जाल में फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरे नबी ने तो यह तालीम दी है कि बेटियों को प्यार दिया जाए, बेटियों को मोहब्बत से पाला जाए, और बेटियों के जायज शौक और अरमान को पूरा किया जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जिसने दो लड़कियों की परवरिश की और यहां तक कि वो लड़कियां जवान हो गई, तो उन दोनों लड़कियों का बाप कयामत के दिन मेरे साथ रहेगा। और इस तरीके से आपने अपनी दोनों उंगलियों को दिखाया। जब मुझे तीसरी बेटी पैदा हुई और जब मैंने सोशल मीडिया पर यह खबर डाली कि मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, तो बास लोगों ने कहा मौली साहब आपका तो रिजर्वेशन हो गया, जन्नत तो पक्की हो गया। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, शर्तें हैं उसके अंदर। ठीक है बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत दी गई, मगर अल्लाह के नबी ने यह भी कहा कि बेटी बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपने फरमाया मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैयन कुन्न लहु सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला ने बेटी देकर के आजमाया और इस इम्तिहान में वो खरा उतर गया, वो बेटियां अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बन जाएंगी। और आज बेटियों की परवरिश इम्तिहान बन चुकी है। आज अगर कोई चाहे कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए, हमारे पास कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। और आज जब मेडिकल की तालीम होगी और लड़के लड़कियां साथ में पढ़ेंगे, तो जाहिर है कि शरई उसूलों और इस्लामी कानून की धज्जियां वहां उड़ेंगी। और आज आप देखिए हॉस्टलों का क्या माहौल है। आज चाह करके भी बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को आला तालीम नहीं दिला सकते मेरे प्यारे साथी। और मुझे कहने दीजिए, बहुत बड़ी नेमत है आपके इलाके में बरहेट का ये मदरसा, बहुत बड़ी नेमत है वो तमाम इदारे इस इलाके के जहां लड़कियां आलिमा बन रही हैं। मगर मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए कि आलिमा बनाने के बाद भी इन लड़कियों का के इल्म का हम क्या यूज कर रहे हैं, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। मैंने महसूस किया है कि लड़कियों को आलिमा बना दिया,
मकसद सिर्फ ये है अच्छा रिश्ता मिल जाए। रिश्ता लेने मांगने वाले आए तो हम कह सके हमारी लड़की ने परहेज से आलिमा किया, और कोई उस इल्म का यूज नहीं है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, आज औरतों में इतनी बेहयाई फैली है, औरतों के अंदर इस कदर बुराइयां पाई जा रही हैं, इतनी बेपर्दगी पाई जाती है। ये आलिमा लड़कियां अगर ये दावती काम करना चाहें तो आपके गांव गांव में एक अच्छा माहौल पैदा हो सकता है और घरों और खानदानों की इस्लाह हो सकती है। आपके यहां जुमा की नमाज में अगर औरतों का इंतजाम नहीं है तो इंतजाम करवाइए, कोशिश कीजिए कि जुमा के खुतबे में औरतों को जरूर लाया जाए। जलसा तो साल में एक बार होता है, लेकिन बुराई तो रोजाना मोबाइल पर देखी जा रही है, बुराई तो रोजाना मोबाइल पर देखी जा रही है। जब बुराई रोजाना देखी जा रही है तो साल में एक बार का जलसा बुराई को रोक नहीं सकता। बुराई से रोकने का तरीका भी यह है कि हम बार बार इस्लाह की कोशिश करते रहें। आप जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम रखिए और औरतों को भेजिए। ऐसा भी देखा गया, बूढ़ी औरतें जुमा पढ़ने जा रही है, जवान औरतें नहीं जा रही। क्या साहब? अरे वो मेरी बहू को खाना बनाना दो, कैसे जाएगी? जवान लड़कियां नहीं जा रही, बूढ़ी औरतें जा रही हैं, जवान लड़कियों को भी भेजिए आप। जुमा के दिन खाना थोड़ा लेट बन जाए चलेगा, थोड़ा पहले बन जाए चलेगा, मगर जुमा की नमाज में औरतों को भेजिए मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कि अब पानी सर से नीचा जा रहा है। आज जो माहौल बन रहा है, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी उम्र के पहले बालिग हो रहे हैं। मेरे भाई, 8-8 साल की बच्चियों को मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर 4-4 आईडी बना के रखी है उन्होंने, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आज समाज में आम होता चला जा रहा है। नौजवान फख्र करते हैं कि मेरे इतने लड़कियों के साथ मेरे ताल्लुकात थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे खतरनाक फितना औरत को करार दिया था। मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अलर रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। औरत आलिमा बन जाए और मर्द आलिम बन जाए तब भी फितना है मर्द औरत के लिए। औरत अपने जमाने की सबसे नेक औरत है और मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी मर्द है, लेकिन अगर मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं तो इस्लाम यह कहता है कि तीसरा वहां शैतान जरूर मौजूद होता है। तो फहशा से बचाओ अपने आप, बेहयाई से बचाओ। जलजले आ जा रहे हैं और जलजले आकर के ये सबक दे रहे हैं कि ये जलजले क्यों आ रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर बेहयाई बहुत ज्यादा फैल रही है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई और उसने भी हमको ये सबक दिया कि बेहयाई को अगर हमने नहीं रोका तो इस तरीके के और भी वायरस आते रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लम तज़हरिल फाहिशतु फी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युलिमु बिहा इल्ला फशाफीहिम अत्ताउन, जब किसी कौम में बेहयाई फैलेगी उस कौम के ऊपर अजीब व गरीब बीमारियां आएंगी। और अब तो हालात ये हो गए कि अदालतों से कानून पास हो गया कि मर्द अगर मर्द से शादी कर लेता है और औरत औरत से अगर शादी कर लेती है तो इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं। अगर आपके पास ऐसे भी शादी के कार्ड आने लगे कि मोहम्मद जुनैद की शादी मोहम्मद जावेद के साथ हो रही है और रिहाना की शादी शबाना के साथ हो रही है तो बहुत हैरत मत कीजिएगा, हमारे हिंदुस्तान के कानून में परमिशन दे दी गई। हालात ये हो चुके हैं मेरे भाई, हालात ये हो चुके हैं कि वो गुनाह जिस गुनाह की वजह से कौम लूत के ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी बस्ती को अल्लाह ने उलट दिया और पूरी बस्ती पल भर में खत्म हो गई, आज गांव गांव में वो गुनाह भी आम हो रहा है और मर्द मर्द के साथ ताल्लुक कायम कर रहा है और औरतें औरत के साथ अपनी लज्जत पूरी कर रही है। ये बेहयाई, ये बेगैरती, इसको भी रोकना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। वह यनहान फहशाई, अल्लाह ताला तुमको फहश कामों से मना करता है। वल मुनकर, और अल्लाह ताला तुमको मुनकर से बुरी चीजों से तुमको रोकता है। जितनी चीजें शरीयत के अंदर रोकी गई हैं वो तमाम की तमाम चीजें इस एक लफ्ज के अंदर आ गई, मुनकर के अंदर। और यहां एक बात याद रखिए, बुराई से बचना भी जरूरी है और बुराई से रोकना भी जरूरी है। आपकी आंखों के सामने अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपकी पेशानी पर बल पड़ने चाहिए और आपको गुस्सा आना चाहिए और आपको उसे रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। यहां तो हालात ये हैं, बेटी सज धज करके घर से निकल रही है और बाप
बड़ी खुशी से कहता है कि मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। स्कूलों के अंदर सालाना प्रोग्राम हो रहा है, मुसलमान लड़कियां नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, 15-15 साल की, 20-20 साल की जवान लड़कियां साड़ी पहन करके नाच रही हैं, और बाप और माँ वीडियो बना रहे हैं और बड़ी खुशी से स्टेटस लगा रहे हैं, मेरी बेटी कितना शानदार डांस कर रही है। हम बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं काट सकते मेरे भाई, हम जिस नस्ल इस नस्ल की तरबियत जैसी करेंगे वैसी ही लड़कियां पैदा होंगी, वैसी ही औलादें हमारी पड़ी। आज आप देखिए हालात क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों तुम अपनी औलाद की जिम्मेदारी को महसूस करो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और कयामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। औलाद वालों, ये औलाद तुम्हारी गर्दन पर कल कयामत के दिन जिम्मेदारी बनेगी और अल्लाह पूछेगा कि तुम तहज्जुद पढ़ते थे और तुम्हारी बेटी रात में 2-2 बजे गैर महरम से बात करती थी, तुम क्या कर रहे थे। अल्लाह पूछेगा मेरी माँ बाप से कि तुम तो पर्दे और नकाब में निकलती थी और तुम्हारी जवान बेटी 16 साल की 20 साल की सज धज करके संवर करके बगैर पर्दे के निकलती थी और चेहरे पर एक छोटा सा मास्क लगा लेती थी और तुमने उसको इजाजत दी थी, तुमने क्यों ऐसा किया। दयूस हो गए हम, बेगैरत हो गए हम। जब तक हम गैरत को अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे समाज से बेहयाई खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन ना तो देखेगा ना बातचीत करेगा ना उनको गुनाहों से पाक को साफ करेगा। कौन से 3 लोग? आपने फरमाया अल आकुल वालिदैही, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। माँ बाप को कभी दुख मत देना। 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देता है, उसमें से 1 गुनाह है उकूकुल वालिदैन, माँ बाप से रिश्ता तोड़ना। हमारे यहां ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और उसके बाद सेपरेट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट का मतलब यह है कि बाप माँ देवर जेठ सब एक साथ रहे, और अलग रहने का मतलब यह कि बाप से और माँ से कोई मतलब ना। यह गलत है, दोनों सिस्टम गलत है। ना ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पूरी तरीके से सही है, ना ये सेपरेट फैमिली सिस्टम पूरी तरीके से सही है। अगर आप शादी के बाद अपने माँ बाप से अलग भी रहते हैं तो अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कोई मतलब न रखें। मेरे भाई, माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत लाना, माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। माँ बाप, आपके बचपन में उन्होंने आपकी वो तकलीफें बर्दाश्त की जो आप सोच नहीं सकते। जब माँ बाप ने आपकी नादानियों को और आपके रात रात पर रोने को बर्दाश्त किया है, आज 60 साल का बूढ़ा बाप अगर किसी बात पर डांट दे तो आप बुरा मत मानिए, उसने कई बार आपकी बातों को बर्दाश्त किया है। इसलिए अपने माँ बाप के साथ कभी जुल्म मत कीजिए मेरे भाई। दूसरी चीज, वल मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और तीसरा आदमी जिसकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, आपने फरमाया अद्दयूस, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िरु फ़ी अहलिही अल-खुबुस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा, जो बीवी के साथ फोटो खींचता हो और फेसबुक पर डालता हो, जो अपनी बेटी जवान बेटी का फोटो फेसबुक पर डालता हो, स्टेटस पर लगाता हो, उस बेगैरत भाई, उस बेगैरत शौहर और उस बेगैरत बाप की तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं। तो बेगैरती को खत्म करने की जरूरत है। तो 3 चीजों से अल्लाह ताला मना करता है, फहशा से मना करता है, मुनकर से मना करता है, वल बगी, और तीसरी चीज अल्लाह ताला जुल्म से और ज्यादती से मना करता है। कभी किसी के साथ ज्यादती मत करो, जुल्म मत करो, किसी का हक मत मारो, किसी की जमीन आपने हथिया ली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ी, अगर एक बालिश आपने किसी की जमीन अगर कब्जा कर ली, तुफ़िक यौमल क़ियामत मिन सबअ अर्ज़ीन, कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। कितने मुकदमे आज अदालतों में मुसलमानों के मुकदमे ज्यादा चल रहे हैं, लोग नाजायज एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा करते हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के लिए आपने हराम की प्रॉपर्टी बना भी तो आपने बच्चों का फ्यूचर बनाया नहीं, बच्चों का फ्यूचर खराब किया है। हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाओ,
अपने ईमान और तकवा को मजबूत करो, इंशाअल्लाह आपकी नेकी आपके बच्चों के काम आएगी, आपकी रातों की तहज्जुद आपके बच्चों के काम आएगी। हमने समाज में देखा है, हमारे बनारस के एक साहब कश्मीर जाते हैं, आज से 50 साल पहले का वाकया है, कश्मीर जाते हैं, साड़ी का कारोबार कर रहे थे, लाखों का माल साथ में लेकर के गए थे, एक धोखेबाज आदमी उनको मिला और उनकी साड़ी काफी उनका माल लेकर के चंपत हो गया। हाजी साहब कश्मीर के थाने पर गए, रपट दर्ज करवाई, FIR करवाई, थानेदार को पूरा हुलिया बताया। थानेदार ने कहा, हाजी साहब हो सकता है वो कहीं निकल गया हो, दूर चला गया हो, हम तलाश तो कर रहे हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि आपका माल मिल जाए। हाजी साहब ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब मेरा माल बर्बाद नहीं हो सकता, मैं अपने माल की ज़कात निकाल चुका हूं, मैं अपने माल की ज़कात निकाल चुका हूं, मेरा माल जायज और हलाल कमाई का था, मुझे यकीन है मेरा माल बर्बाद नहीं होगा। और 24 घंटे के अंदर चोर और चोरी किया गया माल बरामद हो गया। मेरे भाइयों, हराम कभी कभी ज्यादा लगता है और हलाल कम लगता है, मगर उस हलाल के अंदर पायदारी है और हराम के अंदर बरकत नहीं है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हज करने गए होंगे, उमरा करने गए होंगे, एक बहुत मशहूर कंपनी है अलबैक नाम से, आप मदीना के अंदर देखेंगे, मदीना मनवरा में मस्जिद नबी से बहुत करीब में अलबैक का रेस्टोरेंट है और वहां एक चिकन बनता है, उसको पूरा मसाला लगा करके फ्राई करते हैं, उसको अरबी में ब्रोस्त बोलते हैं, ब्रोस्त मेरे ख्याल से 12 या 15 रियाल का एक ब्रोस्त मिलता है। मैं 2017 में गया था तो मैंने खाया था, एक ब्रोस्त कोई खा ले तो पेट भर जाता है। मुझे वहां के भाइयों ने, सऊदी अरब के भाइयों ने बताया कि अलबैक कंपनी की जब शुरुआत हुई, उसके मालिक ने, जिसने उस कंपनी की शुरुआत की थी रियाज में, सऊदी अरब के शहर रियाज में, उसने ये तय किया था कि मैं जब इसको सेल करूंगा तो हर पीस में मैं 1 रियाल अल्लाह की राह में सदका करूंगा। अगर मेरा ब्रोस्त 5 रियाल का है तो 5 रियाल में से मैं 1 रियाल अल्लाह की राह में सदका करूंगा। और उसकी माल में अल्लाह ने उसकी तजारत में बहुत बरकत दी। उसके बाद जब वो इंसान मर गया, उसके मरने के बाद जिस यतीम खाने में और जिस मदरसे में और जिन गरीबों को वो पैसा दिया करता था, वो लोग जब उस इंसान के लड़कों के पास आए और कहा कि आपका बाप अपनी जिंदगी में अपनी कमाई में से हर अपने पीस में से 1 रियाल वो हमको दिया करता था, तो क्या आप लोग अपने बाप की इस वसीयत को कायम रखेंगे, अपने बाप के इस अमल को कायम रखेंगे? तो अलबैक कंपनी के मालिक के मरने के बाद उनके बेटों ने कहा कि अगर हमारा बाप हर पीस में 1 रियाल देता था तो हम इंशाअल्लाह 2 रियाल देंगे, हम 2 रियाल देंगे, हम अपने बाप का ये सिलसिला बंद नहीं करेंगे। और वहां सऊदी अरब के लोगों ने मुझे बताया कि अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उसने कारोबार शुरू किया दर रियाज से, और आज पूरे सऊदी अरब का कोई ऐसा शहर ऐसा नहीं है, अब तो पूरी दुनिया में अलबैक के रेस्टोरेंट फैल चुके हैं और बड़ा मशहूर उनके चिकन वगैरह के आइटम बड़े पसंदीदा माने जाते हैं, बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो हलाल में बरकत होती है मेरे भाई। इंसान अपने बच्चों के लिए हराम कमाने लगता है, अपनी बीवी को खुश करने के लिए हराम कमाने लगता है। कभी भी आप हराम का रुख मत कीजिए और कभी किसी दूसरे का हक मत मारिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 गुनाहों को अल्लाह ताला दुनिया ही में उनकी सजा दे देता है और उसमें से गुनाह यह है, अलबग्यु, किसी पर जुल्म करना और किसी पर ज्यादती करना। मेरे प्यारे साथियों, ये 6 बातें हैं, 3 बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया और 3 बातों से अल्लाह ने मना किया। अल्लाह हुक्म देता है अदल इंसाफ करने का, अल्लाह हुक्म देता है एहसान करने का, और अल्लाह हुक्म देता है रिश्तेदारों के साथ भलाई करने का, और 3 चीजों से अल्लाह मना करता है, फहश कामों से, वल्गर कामों से, और तमाम बुरे कामों से, और किसी पर जुल्म और ज्यादती करने से। इन 3 कामों से बच जाओ और उन 3 कामों को अपना लो, इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इन 6 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहे, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।